Right. Hello everyone. Once again, I welcome all of you in Gateway Classes. तो कैसे हैं आप सभी लोग? I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी. My dear students, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में हम YouTube पर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाए हैं. आप सभी जानते हैं कि AKTU के स्टूडेंट्स का गेटवे क्लासेस को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, बहुत गजब का रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, जिसके कारण हमको लेक्चर की रिकॉर्डिंग बढ़ानी पड़ी, कुछ नए सब्जेक्ट हमको ऐड करने पड़े और कई सब्जेक्ट हम लोग ऐड करने वाले हैं. तो पुराना सिस्टम जो है उससे काम नहीं हो पा रहा था, हमको नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ा जिसमें 2-3 दिन लग गए. लेकिन आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, तो हमने पेन टैब से लेक्चर रिकॉर्ड करके भी आपको प्रोवाइड कराए हैं. जैसे गुलशन सर ने मैथमेटिक्स के लेक्चर, यू नो आई थिंक 3 लेक्चर जो है पेन टैब से यू नो एप्लीकेशन के अंदर अपलोड किए हैं. नाउ अब हमारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, नया सिस्टम, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर क्लासेस विद डिजिटल बोर्ड. अब हमारी सारी क्लासेस जो है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? तो अभी आपने देखा कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो लॉन्च हमने करा, यू नो नीरज तोमर मैम आपको पढ़ा रही हैं, एक लेक्चर उसका आया, उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया दूसरा लेक्चर आने में, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो नया सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था, ठीक है? अब क्योंकि नया सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है तो यू नो लेक्चर की जो फ्रीक्वेंसी है अब बढ़ जाएगी, चाहे एप्लीकेशन के अंदर हो चाहे यूट्यूब के अंदर हो. एप्लीकेशन और यूट्यूब के अंदर अब आपको ज्यादा लेक्चर्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है? चलो, तो यू नो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट चल रहा है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ पेन टैब से रिकॉर्ड करके. आपने देखा होगा लेक्चर 1 लेक्चर 2, है ना, आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है. आज यूनिट नंबर 3 का होगा लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम यू नो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे रेफ्रिजरेटर के ऊपर. तो यू नो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बेसिकली हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम अप्लाई करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हम अप्लाई करने वाले हैं. तो 2-3 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, आपको पुराना भी याद आ जाएगा, जो आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, आपने पहला दूसरा लेक्चर नहीं भी देखा है, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डील करेंगे. बहुत बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर पार्टीशन कर लेते हैं, है ना. इधर लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, इधर लिखेंगे हीट पंप. अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, भाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके लेक्चर नंबर 1 में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं. जस्ट आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पर कि कौन से फॉर्मूले हम यूज करते हैं. डिटेल में अगर आपको पढ़ना है रेफ्रिजरेटर हीट पंप तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना. मैं तो जस्ट आपको यहाँ पर रिकॉल करा रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सके. चलिए, तो ये आपका यू नो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये आपका, इसको टेम्परेचर लिखा था हमने TH प्रीवियस लेक्चर में, इसको लिखा था हमने TL. TH मतलब हायर टेम्परेचर और TL मतलब लोअर टेम्परेचर. इन दोनों टेम्परेचर के बीच में एक लगा रहेगा यहाँ पर क्या, रेफ्रिजरेटर, ठीक है. तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको R, R मतलब रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर करता क्या है, लो टेम्परेचर मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर मीडियम की तरफ हीट को रिजेक्ट करता है, और कुछ वर्क भी तो कंज्यूम करेगा, बोलो यस और नो. तो यहां से TL टेम्परेचर से कितनी हीट इसने रिमूव करी, QL, और कितनी हीट रिजेक्ट करी, QH, है ना. ये टेम्परेचर TH है, ये हीट QH है, ये टेम्परेचर TL है, ये हीट QL है, और इसको कुछ वर्क भी तो देना पड़ेगा, दैट इज W, बोलो यस और नो. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब आप डायग्राम बनाएंगे किसका, हीट पंप का, तो हीट पंप का डायग्राम बना दो. ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ऊपर लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर TH, दिस इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर TL, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, एक हीट पंप, है ना. तो हीट पंप यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं हीट पंप को हमने किससे लिखा था, यू नो HP, दैट इज हीट पंप. क्या काम करता है हीट पंप, वॉट इज द फंक्शन ऑफ हीट पंप, हीट को एब्जॉर्ब करेगा लो टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर की साइड हीट को रिजेक्ट करेगा,
कुछ वर्क भी तो कंज्यूम करता है, ऐसे थोड़ी ना कर देगा भाई। हीट का ट्रांसफर कराना है लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी, बिना वर्क लिए नहीं करेगा ये, तो कुछ वर्क भी इसको देना पड़ेगा। तो कितनी हीट टीएल टेम्परेचर से कितनी हीट ली, एब्जॉर्ब करी क्यूएल, कितनी रिजेक्ट कराई दैट इज क्यूएच, और कितना वर्क कंज्यूम किया दैट इज W। दोनों डायग्राम देखोगे तो कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वर्किंग दोनों की सेम है। क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में भी और हीट पंप में भी हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी होता है, लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी होता है। हीट का ट्रांसफर रेफ्रिजरेटर में भी और हीट पंप में भी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों क्लॉसियस स्टेटमेंट पर वर्क करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को क्या करते हैं, रिजेक्ट कराते हैं, और दोनों ही वर्क भी कंज्यूम करेंगे, दोनों वर्क कंज्यूम करेंगे, लेकिन दोनों के पर्पज अलग अलग हैं, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। ये लो टेम्परेचर बॉडी को, ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। बोलिए सर नो, ये क्या करता है आपका, दिस इज द रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग, जबकि ये हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर बात करते हैं सीओपी की, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आपको, कूलिंग इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। तो एक बात बताओ, यहां पर ये जो इस बार लो टेम्परेचर मेंटेन करना है हमको, ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, अरे ये वही टेम्परेचर है जिस जीव आपका जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है, जहां पर आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, तो ये टेम्परेचर है वो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूम यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ऊपर होगा, और ये वो स्टोरेज है जहां पर आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखते हो। बोलिए सर नो, यही क्या है आपका, ये स्टोरेज है, तो ये टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतनी हीट यहां से निकालनी पड़ेगी, अरे जहां पर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हो वहां से हीट बाहर निकालोगे, वहां से हीट बाहर निकालोगे, तभी तो अंदर का टेम्परेचर कम होगा बाहर के टेम्परेचर से। आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है, उसके पीछे खड़े होकर देखना, तो वहां से हीट निकलती रहती है, अंदर से हीट बाहर निकलती रहती है, और जहां से हीट निकलेगी वहां का टेम्परेचर हो जाएगा कम। तो जहां पर आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखा है वहां से हीट बाहर जा रही है, तो वहां का अंदर का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, तो इसका जो सीओपी है वो कितना हो जाएगा, तो क्यू एल अपॉन डब्ल्यू। बोलो यस और नो, और याद रखना डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, डब्ल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल, एनर्जी कंजर्वेशन से आता है, बताया हुआ है मैंने पहले, एक बार और फिर बता दूं कि आपको। देखो ये है आपका यहां पर सिस्टम, ये क्या है आपका सिस्टम है, दोबारा देख लीजिए, यहां पर ये सिस्टम है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। बोलो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कितनी एनर्जी गई, क्यूएल, बहुत बढ़िया, और कितनी एनर्जी गई, डब्ल्यू भी तो इसके अंदर गई, यस, और कितनी बाहर गई इस रेफ्रिजरेटर से, दैट इज क्यू एच। तो सिंपली यहां से आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्यू एच माइनस क्यू एल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां से आप एक बात बताओ मुझे, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर को क्या लिख सकते हो, क्यू एल अपॉन, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल, ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्या। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का सीओपी का। बोलो यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, चलो, है ना, क्योंकि यहां पर जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो कूलिंग इफेक्ट है ना, वो है क्यूएल, और नीचे क्या आएगा, वर्क इनपुट, ठीक है। तो क्यूएल अपॉन क्यू, ओके, ये क्यूएच है, दिस इज क्यूएच, है ना, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, क्यूएच माइनस क्यूएल। इसी तरह से हम सीओपी निकाल सकते हैं क्या, हीट पंप की, सीओपी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, यहां पे देखो, यहां पर हमको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये है इस बार रूम का टेम्परेचर, ये रूम का टेम्परेचर है जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, और सराउंडिंग टेम्परेचर ये होगा, भाई सर्दियों के दिन है मान लो, है ना, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, ध्यान समझना, जो आपका रेफ्रिजरेटर है,
रेफ्रिजरेटर से क्या किया आपने, अंदर का टेम्परेचर कम किया है बाहर के टेम्परेचर से, यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से, सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन किया है। तो आपने अंदर से हीट को बाहर निकाल दिया, अंदर का टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको इस रूम का टेम्परेचर, अभी सर्दियों का दिन है, बहुत ही सर्दी पड़ रही है, एकदम विंटर है, बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंड लगेगी। तो हमको रूम का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो रूम का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, बाहर से हीट अंदर लाओ, बाहर से हीट अंदर लाओ, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग से हीट अंदर लाओगे तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यस और नो? जैसे रेफ्रिजरेटर में से हीट बाहर करी तो टेम्परेचर, जहां से हीट बाहर जाएगी वहां का टेम्परेचर घट जाएगा। इस रूम से हीट बाहर निकाल दो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, जैसे आप एसी से करते हो, एयर कंडीशनर से। एयर कंडीशनर क्या करता है, अंदर से हीट बाहर निकाल देता है, बाहर फेंक देता है, अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। आप एक काम करो, बाहर से हीट लाओ, अंदर लाओ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यही तो करता है हीट पंप। सराउंडिंग नीचे है, लोअर टेम्परेचर है सराउंडिंग का, लेकिन रूम का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है। तो सराउंडिंग से हीट लानी है, बाहर से हीट रूम के अंदर लानी है। इस बार एक बात बताओ, ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इतनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सीओपी क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज क्यू एच अपॉन डब्ल्यू। और माई डियर स्टूडेंट्स, डब्ल्यू कितना होता है, क्यू एच माइनस क्यू एल, है ना। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू एच माइनस क्यू एल। तो यहां से आपको मिल जाएगी सीओपी किसकी, हीट पंप की, हीट पंप की सीओपी मिल गई, बहुत बढ़िया। और अभी इसको आपको यहां पर आपको सीओपी मिल गई थी किसकी, रेफ्रिजरेटर की। एक बात और याद रखना, एक बात और आपको याद रखनी है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, एक बात और याद रखना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यू नो एक्चुअल साइकिल के लिए और रिवर्सिबल साइकिल के लिए, मतलब एनी साइकिल, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये किसी भी साइकिल के लिए वैलिड है, एनी साइकिल। एक सेकेंड, दिस इज वैलिड फॉर एनी साइकिल, फॉर एनी साइकिल, मतलब एक्चुअल हो या रिवर्सिबल हो, एनी साइकिल। लेकिन अगर हम ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर यहां पर ये आप सीओपी जो है यहां पर हीट के फॉर्म में लिखी हुई है, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बताओ सीओपी कितना हो जाएगा यहां से, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, जहां पर हीट लिखा हुआ है ना वहां टेम्परेचर लिखो, तो ये हो जाएगा टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। बोलो यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक सीओपी आ गई आपको टेम्परेचर के फॉर्म में, दिस इज वैलिड फॉर यू नो रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल चक्कर मत पड़ो, क्या होता है रिवर्सिबल, ये मान लो कि यहां से जो एफिशिएंसी सीओपी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। अगर आपको मैक्सिमम सीओपी निकालनी है तो टेम्परेचर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखो। यहां पर जो आपने क्या लिखना है, टेम्परेचर, यहां पर हीट ट्रांसफर लिखा था वहां पर टेम्परेचर लिख दो, TL अपॉन TH1 इज TL। तो यहां से आपको मैक्सिमम सीओपी मिल जाएगी, मतलब इन दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में, इन दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में, TH और TL के बीच में, जब ये सीओपी आप निकालोगे TL अपॉन TH1 इज TL, ये सीओपी होगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सीओपी अगर निकालनी पड़े, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आएगा इसलिए बता रहा हूं, मैक्सिमम सीओपी अगर निकालनी पड़े तो टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना, मैक्सिमम सीओपी मिल जाएगी। और यहां पर ध्यान रखना, जो टेम्परेचर है ये केल्विन में रखने होंगे आपको, टेम्परेचर किस में होंगे, केल्विन में। इसी तरह से आपको सीओपी अगर हीट पंप की निकालनी हो मैक्सिमम, है ना, कितनी निकालनी हो मैक्सिमम, तो माई डियर स्टूडेंट से कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे टी एच अपॉन टी एच माइनस टी एल, जहां पर हीट ट्रांसफर लिखा है वहां पर लिख देंगे वर्क ट्रांसफर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट का फर्क है, यहां पर डिजायर्ड इफेक्ट क्यू एल है रेफ्रिजरेटर के केस में, तो हमने लिखा क्यू एल अपॉन डब्ल्यू, जबकि यहां पर हीट पंप में जो डिजायर्ड इफेक्ट है दैट इज क्यू एच, इसलिए हमने लिखा सीओपी की क्यू एच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। मैक्सिमम सीओपी रेफ्रिजरेटर की, मैक्सिमम सीओपी हीट पंप की अगर लिखनी होगी तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे, बस इतनी बात याद रखनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब 3-4 क्वेश्चंस मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, 1-2 क्वेश्चंस आपको दे देंगे घर से करने के लिए, तो काम बन जाएगा, है ना। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। अरे रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है तो जल्दी से बना लो डायग्राम।
अरे रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, जल्दी से डायग्राम बनाओ। बहुत ही दिनों 5 सेकंड के अंदर आप डायग्राम बना लेते हो भाई। दो आपने रिजर्वायर लगा दिए और यहाँ पर आपने रेफ्रिजरेटर लगाया, और ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को रिजेक्ट कराएगा, कुछ वर्क भी कंज्यूम करेगा। ऐसे नहीं करेगा, ये हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी से, लो टेम्परेचर बॉडी टीएल से टीएच हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर कराएगा। तो कितना हीट का ट्रांसफर कराएगा, यहां से क्यूएल हीट को लेगा, कितना हीट रिजेक्ट हुआ, क्यूएच वर्क लेगा, कुछ वर्क लेगा, आर मतलब रेफ्रिजरेटर। बना दिया डायग्राम आपने, बना दिया सिंपल। अब देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट ही इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और व्हाट शी इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। बोला फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा है फूड कंपार्टमेंट में, और सॉरी फूड कंपार्टमेंट है जहां पर आपने खाना रखा है, इज मेंटेन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर आपने 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको 4 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या बोल रहा है, बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट द रेट ऑफ 360 किलो जूल पर मिनट। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो यहां से हीट को रिमूव करना पड़ेगा, और कितने हीट रिमूव करी आपने, एट द रेट 360 किलो जूल पर मिनट। मतलब QL की वैल्यू दे रखी है आपको, मतलब आपको QL की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 360 किलो जूल पर मिनट। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज 2 किलो वॉट। इसको कितना पावर दिया, मतलब कितना वर्क दिया, अरे रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, तो W दिया हुआ है आपको, पावर दे रखा है आपको, पावर मतलब W डॉट, W मतलब वर्क, डॉट से हम रेट की बात करते हैं, W मतलब वर्क किलो जूल, और W डॉट ऊपर लिख देते हैं तो रेट ऑफ वर्क हो जाएगा, यानी कि पावर कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 2 किलो वॉट। ये दे रखा 2 किलो वॉट। डिटरमाइन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है पार्ट 1 ए पार्ट में पूछ रहा है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, और बी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द रूम। ये है आपका रूम, बोलो यस और नो, ये रूम है, और ये था आपका फूड कंपार्टमेंट, ये है आपका फूड कंपार्टमेंट जिसको 4 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना है, और ये है रूम, ये है रूम, तो रूम में कितनी हीट रिजेक्ट करी, QH, तो आपको QH की वैल्यू भी निकालनी है। बताइए, आपने डायग्राम बना लिया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सीओपी कितनी बताई मैंने आपको अभी, रेफ्रिजरेटर का केस है, और सीओपी कितनी होती है, QL/W। बहुत सही, तो ये बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सीओपी कितनी हो जाएगी, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज QL/W। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है, लेकिन मुझे पता है गलती कहां करोगे। देखो क्यूएल की वैल्यू कितनी है, 360 किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट, और डिवाइड करेंगे किससे, डब्ल्यू से, डब्ल्यू कितना है, 2 किलो वॉट। बस यही गलती कर दोगे आप कि भाई QL की वैल्यू 360 किलो जूल पर मिनट और पावर दे रखा है 2 किलो वॉट, 360 डिवाइड बाय 2 किलो वॉट, है ना। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, ये है किलो जूल पर मिनट और ये किलो वॉट में है, गलत हो जाएगा। आप एक काम करना पड़ेगा आपको, या तो आप इसको किलो जूल पर मिनट को किलो वॉट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये किलो वॉट में है, या इस किलो वॉट को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है ना 60 से, डिवाइड 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, अब इस मिनट को हमने जब सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, आप सभी जानते हैं कि किलो जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, किलो वॉट बोलते हैं, ये बात आपको सबको पता होगी। किलो जूल पर सेकेंड बन चुका है, 360 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 किलो जूल पर मिनट था, अब किलो जूल पर सेकंड बन चुका है, यानी किलो वॉट बन चुका है, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ये 60 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6, और नीचे कितना है 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं कि भाई ये मिल चुका है आपको 6 किलो वॉट, और ये भी क्या मिल चुका है आपको, 2 किलो वॉट, तो किलो वॉट से किलो वॉट गया, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। यही आपका
आंसर है, यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। सीओपी फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्यू एच, वॉट इज द वैल्यू ऑफ क्यू एच। तो आप सभी जानते हैं बी पार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं, डब्ल्यू कितना होता है, दैट इज क्यू एच माइनस क्यू एल। एक बात बताओ, यहां से डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2 किलोवाट। क्यू एच की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जब ये किलोवाट में रखी है तो क्यू एल भी किलोवाट में रखोगे, और क्यू एल कितना आएगा किलोवाट में, 360/60, दैट इज यू नो माइनस के 6। भाई थ्री क्यू एल की वैल्यू कितनी है, क्यू एल की वैल्यू कितनी है, 360। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 360/6 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, एक सेकेंड, 60 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 6 किलोवाट। तो ये जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपको क्यू एच की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 8 किलोवाट। तो ये क्या बताया आपने, ये आपने बता दिया कि रूम में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, क्यू एच यानी कि 8 किलोवाट। ठीक है, 8 किलोवाट, ये 6 किलोवाट होगी, ये तो आपको दे रखा है दिस इज 6 किलोवाट, ये दे रखा आपको 2 किलोवाट, और ये जब इसके अंदर 2 किलोवाट यहां से गई, 6 किलोवाट यहां से गई, तो 8 किलोवाट हो जाएगी ना जोड़ करके, ये हो गया आपका आंसर। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आपके मन में आती है, कोई सवाल अगर आपके मन में आता है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15°C, द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इज 30°C। अरे डोमेस्टिक फ्रीजर की बात हो रही है, यानी कि फिर से आपका रेफ्रिजरेटर का ही क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी बनाएंगे अब इसको, है ना। अब तो हम बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो चुकी है, बोलो यस और नो, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट को रिजेक्ट करेगा, ये इसको वर्क देना पड़ेगा, और माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं आर, यानी कि रेफ्रिजरेटर। ये होता है टीएल, ये होता है क्यूएल, ये होता है टीएच, और ये होता है क्यूएच, यस और नो, और ये होता है डब्ल्यू। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फूड डोमेस्टिक फूड फ्रीजर मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ -15°C, ये दिया हुआ है, और एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि रूम का टेम्परेचर 30°C दिया हुआ है। If heat leaks into the freezer at the continuous rate of 1.75 क्लोजर पर सेकेंड, मतलब ये जो यहाँ पर फ्रीजर तो यही होगा, यहाँ तो फ्रीजर होगा जहां पर आपने यू नो डोमेस्टिक फूड फ्रीजर, भाई यहाँ पे तो फ्रीजर है, ये तो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे फ्रीजर का, रेफ्रिजरेटर का, देन व्हाट विल हैपन, तो बाहर से हीट उसके अंदर घुस जाएगी, बोलो यस और नो। आप सोचो, जो आपका रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, आपने अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, आपने स्विच ऑफ कर दिया उसका, तो क्या होगा, बाहर से हीट उसके अंदर जाएगी, और उसका मतलब बाहर से हीट उसके अंदर लीक हो रही होगी, तो आपको उतना ही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तो जिस रेट से हीट उसके अंदर जा रही थी उसी रेट से हीट को बाहर निकालते रहो, बाहर निकालते रहो, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहा इसने कि जो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो हीट लीक हो रही है उसका रेट क्या है, 1.75 किलोजूल पर सेकेंड। बेसिकली आपको QL की वैल्यू दे रखी है 1.75, यहां नोट कर लेते हैं, QL की वैल्यू आपको दे रखी है 1.75 किलोजूल पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा, टेम्परेचर भी लिख लो एक बार, TL की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 प्लस 273 ऐड कर देंगे, अभी करेंगे बाद में ऐड, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। TH की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 30°C, बोलो यस और नो, ये 30°C दे रखा आपको, एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज आल्सो गिवन टू यू। ओके, क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप दिस हीट आउट कंटीन्यूअसली, मतलब यहां से हीट को निकालते रहना है, निकालते रहना है, तो इतनी हीट, इस रेट से हीट को निकालने के लिए कितना मिनिमम वर्क देना होगा, मिनिमम पावर, है ना, मिनिमम पावर, W मिनिमम, मिनिमम पावर आपको बतानी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क आपको बताना है यहाँ पे। चलो एक काम करो, मैंने आपको बताया है क्या बताया है मैंने आपको, कि COP क्या होता है, मैक्सिमम COP निकालते हैं,
मैक्सिमम सीओपी, एक बात बताओ मुझे जरा, एक बात मुझे बताओ भाई, सीओपी होता क्या है बेसिकली? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना होता है? QL अपॉन W। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्या ये वही फॉर्मूला है जो भी हमने आपको बताया है? एक बात बताओ, उसने बोला है कि W मिनिमम बताना होगा आपको, मिनिमम वर्क कितना होगा। एक बात बताओ, अगर हम इसको मैक्सिमम कर दें, अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या ये मिनिमम हो जाएगा? अरे ऐसे देखो ना, यहां पे देखो W, एक काम करो, रुको एक सेकेंड रुको, यहां से एक काम करते हैं, यहां से आप मुझे बताओ W कितना लिख सकते हो? W को लिख सकते हो QL अपॉन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बोलो यस और नो, साइड से हो जाऊं? बहुत कमेंट कर रहे थे बच्चे कि सर लिखने के बाद साइड से हो जाया करो, हमको दिखता नहीं है, हमको नोट्स बनाने होते हैं। लो मैं साइड से हो गया, तो यहां से हमने लिखा W इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक बात मुझे बताना जरा, आपको तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? एक काम करो, इसको करो मैक्सिमम, जब इसको मैक्सिमम करोगे तो ये तो मिनिमम हो जाएगा। बोलो यस और नो, तो मिनिमम वर्क आपको निकालना है, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम। बोलो यस और नो, और वो कहां से आएगा? मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूला याद रखना, टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, और ये टेम्परेचर किस में होने चाहिए? केल्विन में। तो ये टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए, तो यहां से आप देखो टीएल की वैल्यू कितनी है, तो माइनस के 15 273 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -15 +273, एक सेकेंड, यस 258 आएगा, 258 केल्विन। इसी तरह से ये टेम्परेचर कितना जाएगा? 303 केल्विन। जब इसमें आप 273 ऐड करोगे तो 303 केल्विन आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 258 डिवाइड बाय 303 -258। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो सॉल्व कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, एग्जाम में आप इसको ले जा सकते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप, है ना, नहीं पता है तो बता रहा हूँ कि इसको आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसको आप ले जा सकते हैं। कौन कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई थी, ये 100 ms का है, FX 100 ms, 991 का भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो 258 डिवाइडेड बाय 303 -258 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा 5.73, 5.73। ओके, यहाँ पर आपको W मिनिमम की वैल्यू मिल रही होगी, मिनिमम पावर। QL की वैल्यू कितनी है? 1.75, 1.75 है ना, और डिवाइड करो मैक्सिमम सीओपी, तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 5.73, तो 1.75 डिवाइड बाय आंसर 0.305, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज लीस्ट पावर, है ना, अरे लीस्ट मतलब मिनिमम पावर, क्या बोला उसने? मिनिमम मतलब पावर, लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी बताना? लीस्ट पावर दैट इज इक्वल टू W मिनिमम कितना आ गया जब आपने इसको सॉल्व किया? 0.305 किलोवाट, दैट इज योर आंसर। तो आपको मैक्सिमम सीओपी निकाल लो, तो मिनिमम क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, और मैक्सिमम सीओपी कहां से आती है? टेम्परेचर के फॉर्म से, टेम्परेचर फॉर्म, ये फॉर्मूला बताया आपको, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैक्सिमम सीओपी निकालेंगे, यहां पर इस वैल्यू इनपुट करेंगे फॉर्मूले में, तो आपको मिनिमम पावर लीस्ट पावर मिल जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, है ना, ये वाले दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए खुद से सॉल्व करेंगे। चलो जी, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या हम एक बार फिर से डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल। अ फिश फ्रीजिंग प्लांट रिक्वायर्स, मछलियों का प्लांट है, किसका प्लांट है? मछलियों का। अल्टीमेटली डायग्राम तो यही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें मछली रखो, दूध रखो, है ना, मलाई रखो, जो मन करे रखो, ठीक है। चलो तो हमने डायग्राम को कंप्लीट कर लेना है, 5 सेकंड में डायग्राम बना लेते हो आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए इसको क्या लिखते हो, इसको लिखते हो R, ये लिखते हो TL, ये होता है TH, ये होता है QL, ये QH होता है, ये होता है वर्क W। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया उसने,
एक तो उसने दिया है 40 टन। अरे 40 टन, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 40 टन मतलब QL की वैल्यू आपको दे रखी है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दिया हुआ है आपको 40 टन। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था जब हमने लेक्चर नंबर 1 में जब इस यूनिट को स्टार्ट किया था कि 1 टन का मतलब होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको किलो जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई करें, तो यहां से क्यू एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही होगी 40 × 3.5, तो 140 किलोवाट। 140 किलोवाट, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं ऑलरेडी, कि 1 TR का मतलब होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या फिर किलोवाट, एक ही बात है। तो जब 40 टन आपको, जब 1 टन में कितना होता है, 1 टन में होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि 3.5 किलोवाट, तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 टन में आ जाएगा 140 किलोवाट। ये QL की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है, तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है -35 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 30 डिग्री सेल्सियस। बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं कि भाई TL आपको पता है -35, तो इसमें 273 ऐड कर दो, तो यहाँ से आपको TL की वैल्यू केल्विन में मिल जाएगी, -35 + 273 इज कमिंग आउट 238, 238 केल्विन। बहुत सही। और क्या दिया हुआ है आपको, TH की वैल्यू दे रखी है ना, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड करो, तो यहां से अपन को मिल जाएगा 303 केल्विन। बहुत सही। तो TL TH की वैल्यू आपको दे रखा है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ खास दिया हुआ है जो कि पहले नहीं दे रखा था 2 क्वेश्चंस में। कह रहा है इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट इज 20%, अगर प्लांट की जो परफॉर्मेंस है वो 20% ऑफ द थियोरिटिकल साइकिल है ना, चलो जी, विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। थियोरिटिकल मतलब जो आइडियल वाला केस होता है। देखो जरा ध्यान से, इन्होंने बोला है एक्चुअल सीओपी की बात करी है इन्होंने, एक्चुअल सीओपी कितनी है, कितनी है 20%, 0.2 × मैक्सिमम सीओपी। बोलो यस और नो, ऐसा इन्होंने बोला है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस है कितनी है 20% थियोरिटिकल की, मैक्सिमम सीओपी तो पता है ना टेम्परेचर के फॉर्म से निकाल ही लेते हो। बोलो यस और नो। तो एक काम करो, पहले मैक्सिमम सीओपी तो निकालो, मैक्सिमम सीओपी निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। ओहो क्या हुआ, राइट नो प्रॉब्लम, ओके डन, ठीक है। तो मैक्सिमम सीओपी निकाल लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी सीओपी निकालते हैं, मैक्सिमम कहां से आएगी, आप तो जानते हैं TL/TH − TL से आएगी। बोलो TL की वैल्यू कितनी है, 238 केल्विन, और TH की वैल्यू कितनी है, दैट इज 303, तो 303 − 238, तो सॉल्व कर लेंगे तो सीओपी मैक्सिमम मिल जाएगी यहां से आपको रेफ्रिजरेटर की, तो कितनी आ रही होगी, 238 / 303 − 238 ब्रैकेट क्लोज 3.66, 3.66 आ गई। ओके बहुत ही बढ़िया। एक्चुअल सीओपी निकाल लेते हैं, एक्चुअल सीओपी निकाल लेते हैं, वो कितनी है 20% है इसकी, 20% मतलब 0.2, तो 0.2 × 3.66, तो यहां से हमको एक्चुअल सीओपी मिल जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, ओके ओके × 2.2, तो 0.73, 0.73, ओके ये आपको मिल गई क्या एक्चुअल सीओपी, एक्चुअल सीओपी। और एक्चुअल सीओपी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू QL/W, ओके QL/W। तो क्या है कि QL की वैल्यू तो आपको दे रखी है 140, तो क्या पूछ रहा था आपसे कि भाई अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस 20% है थियोरेटिकल गई, तो कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। तो एक्चुअल सीओपी आ गई, तो पावर रिक्वायर्ड यानी कि वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, तो यहां पर वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.73, एक्चुअल सीओपी कितनी है 0.73, इक्वल टू क्यूएल की वैल्यू कितनी है 140 किलोवाट, 140 किलोवाट।
तो यहां से आपको W नहीं मिल जाएगा क्या? यस माई डियर स्टूडेंट्स, तो W मिल जाएगा यानी कि आपको पावर मिल जाएगी, W मिल जाएगा यानी कि आपको पावर मिल जाएगी, एंड 140 डिवाइडेड बाय 0.73 इट इज कमिंग आउट 191.78 किलोवाट। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें क्या करना था आपको, एक्चुअल में आप सभी जानते हैं कि भाई एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एल अपॉन डब्ल्यू, पढ़ा रखा पहले से, बेसिक फॉर्मूला ये तो है। सीओपी कितनी होती है, दैट इज क्यू एल अपॉन डब्ल्यू। मैंने बोला था कि ये जो इक्वेशन है ये वैलिड रहती है आपकी एक्चुअल साइकिल के लिए भी और थियोरेटिकल साइकिल के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थियोरेटिक, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन होती है ना टेम्परेचर वाली, ये केवल और केवल मैक्सिमम सीओपी के लिए होती है, एक्चुअल के लिए नहीं होती। तो आपको टीएच की वैल्यू दे रखी है, टीएल की वैल्यू दे रखी है और क्यूएल की वैल्यू दे रखी है, तो ठीक है। और एक्चुअल सीओपी 20% दे रखी है मैक्सिमम सीओपी का, मैक्सिमम सीओपी टेम्परेचर से निकाले हम, दोनों टेम्परेचर देखे थे याद रखना, केल्विन में रखने होंगे। तो फिर हमने एक्चुअल सीओपी होता है क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, तो क्यूएल की वैल्यू दे रखी है 140 किलोवाट, क्योंकि 40 टन आपको दिया हुआ था और 1 टन में 3.5 किलोजूल पर सेकंड होते हैं, तो यहां पर हमने डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंड दैट इज इक्वल टू 191.78 किलोवाट। मतलब आपसे क्या पूछा गया था, वर्क पूछा गया था, मिनिमम पावर पूछी गई थी, कितनी पावर चाहिए इसको रन कराने के लिए, तो 191.78 किलोवाट यू नो पावर चाहिए होगी, वर्क चाहिए होगा। इस प्लांट को रन कराने के लिए कितना वर्क चाहिए, 191.78 किलोवाट। मतलब जो मछलियां रखी हुई हैं इस प्लांट के अंदर, जिसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, तो इतने हीट रिमूव करनी पड़ेगी यानी कि 140 किलोवाट, तो कितना वर्क देना पड़ेगा, 191.78 किलोवाट। दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, ये आपका हीट पंप क्वेश्चन है, आंसर आपको दे रखे हैं, चेक कर लीजिए, यही आंसर आपके आने चाहिए, यही आंसर अगर आपके आ जाएंगे सॉल्व करने के बाद तो आप हैप्पी हो सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, ये है, ये भी है आपका यू नो राइट, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ, है ना, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट एक छोटा सा लेक्चर और आएगा यूनिट नंबर 3 का, अभी तक 3 लेक्चर आए हैं, है ना। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें समझी थी, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, है ना, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करी थी, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इन सब की बात करी थी। लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, यू नो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज देख लिए। एक छोटा सा लेक्चर और आएगा जिसमें हम विंडो एयर कंडीशनर की बात करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बात करेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बातें करेंगे। आधे घंटे का लेक्चर है, यूनिट हमारी 3 कंप्लीट हो जाएगी, तो बहुत ही छोटी सी यूनिट है यूनिट नंबर 3 और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।